तुझे परमेश्वर ने इतना अनुग्रह हमारे पर किया है, तो हमें आज हर एक पाप की बात से अपना मन फिराने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम खुद भी ऐसे बने, हम हर ये अंत के दिन चल रहे हैं, तो हम हमारी कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मा को बचाने वाले बन सके, क्योंकि नाश ये लास्ट के दिन है, तो यहाँ पे हमें डिपेंड करने की आवश्यकता है जरूरत से ज्यादा। तो अपने आप को आप जाँच के आप कौन सी किन बीमारियों में, किन गलतियों में, किन दुविधाओं में आज फंसे हुए हैं, क्या ऐसी बात है कि आपकी दुआएं रुकी हुई है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर के दास जानते हैं, और आप जानते हैं चीजों को, हम लोग कोई नहीं जानते, लेकिन आपको खुद की अपनी बुराइयां सबको पता होती है। तो आज परमेश्वर ने मौका दिया है हमें फिर से, क्योंकि इस लॉकडाउन में शायद कोई चर्च नहीं खुले, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अनुग्रह चर्च के ऊपर कि हमारी चर्च खुल रही है एक महीने से, और इस परमेश्वर ने कहा कि संडे में हम प्रभु भोज ले, और हर संडे प्रभु भोज ले, क्योंकि परमेश्वर के दास की अगुवाई हो तो हम सभी के लिए हर संडे प्रभु भोज रखे, जैसा कि यहाँ पे हर संडे होता है, तीन संडे से हो रहा है। तो जो लोग प्रभु भोज लेते हैं उनको ज्यादा ज्यादा आज आवश्यकता है कि जो परमेश्वर ने मौका दिया है इस समय में, आप उसको यूज कीजिए, आप खुद को चुनिए। हफ्ते में तीन दिन हमारे यहाँ पे चर्च भी लगती है, शाम को 6 से 7 घंटा। जो परेशानी में तकलीफ में ये समय जो लोग विश्वासी जन है और भटके लोगों को बताए बात हमारे चर्च के बारे में। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। हम गीत गाएंगे और हमें ताली नहीं बजानी, सिर्फ हाथों को लहराते हुए आज खुले मन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो सच्चाई और आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जब मूसा ने अपने लोगों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना की परमेश्वर से, तो तब तक वो लोग जीतते रहे, और जैसे ही वो अपने हाथों को नीचे करता था वो लोगों की हार होने लगती थी। तो हम जानते हैं कि जब भी हम अपने हाथों को उठाकर लहराकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, तो तब तक परमेश्वर का यौवन निश्चित नाम हमारे जीवन में सक्सेस के लिए तो हमकी अपनी संपत्ति के द्वारा। तो ये परमेश्वर ने आपको अंदर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी दिया कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप परमेश्वर की सेवा किस प्रकार कर पाओगे। और बाइबल में भी क्या लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं परमेश्वर पिता उनका आदर करते हैं। हालेलुया। और आप सोचिए जिन लोगों का आदर परमेश्वर करें वो कितने उस समय में, क्योंकि परमेश्वर ने खुद से हमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर फहराऊंगा। परमेश्वर ने हमें लीडर करके चुना, परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक अगुवा करके चुना। हालेलुया। लेकिन ये भी मैं आपको बताना कीजिए। फैमिली के लिए समस्या और परेशानी प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपकी प्रेयर की जाएगी।